हैं, बीन्स, गाजर, स्वीट कॉर्न, टमाटर, आलू जो कि मैंने धो के पहले से ही काट के रख रखे हैं, अब इन सबको हम वॉश कर लेंगे। मूंग की दाल हरी छिलके वाली, आलू टमाटर है, गेहूं का दलिया भुना हुआ, पहले से ही मैं रोस्ट करके रख रखा था। ये हल्दी, रखना है इसमें सिर्फ पानी उतना ही डालना है जैसे व्हाइट वाले चावल बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर पानी होता है, उसी हिसाब से ऑन करते हैं। दो, एक सीटी आ गई थी धीमी आंच पे, मीडियम पे। अब ये हमारा बनने के बाद ऐसा है, ठीक है, आप देखिए ऐसा भी खा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा टेस्टी बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हम चला के देखेंगे सही है कि नहीं, और थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। दो दो रद्दी चिड़ी बनाएंगे, रख देंगे इधर। हम तड़के की तैयारी करते हैं, वजन कम करना है या फिर डाइजेशन सिस्टम जिनका कमज़ोर है उनके लिए वो ये बहुत हेल्थी है, या न्यू बॉर्न बेबी मदर होती हैं वो भी खा सकती हैं, बच्चे जिम करते हैं वो भी खा सकते हैं। ये मैं अधिकतर अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, वो नाश्ते में यही खाता है। इसमें ये देसी घी जाएगा, हल्का सा जीरा जाएगा, ये जीरा हमारा चटक चुका लाल हो गया, ब्राउन कलर का बिल्कुल। गैस हम बंद कर देंगे। अब इसमें हींग जाएगी, और ये थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता, और बस इसमें हम ये देखिए तड़का लगा देंगे, देखिए इसका फ्लेवर सारे में हो जाए। और ये हरा धनिया डाल के इसमें गार्निश कर देंगे। गरम गरम खाइए, मज़ा ही तो आ जाएगा। ये देखिए गरम गरम खाइए आप, पनीर डाल के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े डाले पनीर डाल लें, और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये जिम वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद ब्रेकफास्ट है, और इसके खाने के बाद 3-4 घंटे भूख भी नहीं लगती है, पर ज़्यादा ही देर। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए। एक थम्स अप इस रेसिपी के लिए।